तुला राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फरवरी के अंतिम सप्ताह 22 से 28 फरवरी के लिए। तो ये जो आपका राशिफल होता है ये चंद्र राशि पर आधारित होता है और आप अपने नाम की राशि या फिर जन्म की जो राशि है उसके अनुसार हमारे वीडियोस देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 22 और 23 फरवरी की। 22 और 23 फरवरी को चंद्रमा जो कि मिथुन राशि में गोचर करेंगे, मिथुन राशि में गोचर करते हुए ये आपके राशि स्थान से 9th हाउस में स्थित होंगे। तो 9th हाउस में स्थित होने से आपके लिए इस समय में भाग्य का साथ मिलेगा, पिता से अच्छा सहयोग मिलेगा, कहीं दूर की यात्रा हो सकती है। भाग्य का साथ मिलने से चाहे स्टूडेंट्स हों या कोई और अन्य व्यक्ति आप हों, किसी भी एज के हों, आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे और विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आप कोई डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, कहीं पर एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं या कोई रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए परिणाम काफ़ी अच्छे होंगे। इस दौरान धार्मिक कार्यों में अधिक मन लग सकता है आपका, शास्त्रों को पढ़ने में या फिर आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में रुचि ले सकते हैं। अपने परिवार के साथ या मित्रों के साथ कहीं पर दूर के किसी धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है, आप घर से बहुत दूर जाने की कोशिश इस समय में कर सकते हैं। तो ये समय दूर की यात्राओं का है, छोटी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। इस दौरान आपके छोटे भाई बहनों के साथ और आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, उनके साथ संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर आप मीडिया से जुड़े हैं या कोई ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं जिसमें आपको अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसका ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये गोचर। तो शुरुआत काफ़ी अच्छे से होगी और जितने भी आपके जो पेंडिंग काम हैं इस दौरान बनेंगे, क्योंकि भाग्य का साथ आपको मिल रहा है और भाग्य का साथ मिलने से हम उन सभी कार्यों को पूरा कर सकते हैं जिनके लिए हमें भाग्य का साथ चाहिए। तो ये एक तरह से आपके लिए जो शुरुआत होगी काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतर शुरुआत कही जा सकती है। इसलिए कुछ दिनों से जो आपको परेशानियां चल रही थी, मानसिक रूप से परेशानी हो या धन को लेकर परेशानी हो, वो सारी आपकी दूर होंगी। तो तुला राशि वालों के लिए शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा समय ये शुरू हो रहा है, काफ़ी अच्छा वीक शुरू हो रहा है। इस दौरान आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा कोई बात शेयर करेंगे या उनके साथ कोई ना कोई आप व्यवहार करेंगे जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चंद्रमा के अपनी खुद की राशि कर्क में गोचर की। चंद्रमा जो कि आपके लिए यहाँ पर जो गोचर कर रहे हैं 24 और 25 को आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। 10th हाउस में गोचर करने से इस दौरान आपको जो लोग जॉब के लिए कहीं ट्राई कर रहे हैं उनको जॉब मिल सकती है और कहीं ना कहीं से आपको कोई सरकारी सहायता मिल सकती है। सरकार के साथ आपके संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसके अलावा जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए भी वक्त काफ़ी अच्छा साबित होगा। इस दौरान आप कहीं पर घर से दूर जाना चाहें तो जा सकते हैं। घर से जुड़े हुए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी। माता जी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको उनका पूरा सहयोग मिलेगा, आपको आपकी फैमिली का अच्छा सहयोग मिलेगा। घर पर काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा, सुकून भरा माहौल रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य है तो वो बनेगा। इस दौरान आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है। जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको कोई जो एक्स्ट्रा काम है, किसी एक्स्ट्रा काम की जिम्मेदारी मिलना हो या कोई ऐसा कार्य हो जिसमें आपको पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो रही हो तो ऐसे कार्य आपके बन सकते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा का ये गोचर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके 10th हाउस में होने वाला है और 10th हाउस में होने से और अपनी खुद की राशि में होने से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप अपने घर से जुड़े हुए रहेंगे, अपने जॉब से जुड़े हुए रहेंगे और अपना कार्य आप निरंतर करते रहें तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे जो आपके लाभ स्थान में स्थित रहेंगे। तो ये जो इनका गोचर रहेगा आपके लिए 26 और 27 को रहेगा। 26 और 27 को आपके जो भी धन से जुड़े हुए कार्य हैं वो बनेंगे। साथ ही साथ आप कहीं पर भी इस समय में ट्रेवल कर सकते हैं, अपने जो यार दोस्त हैं उनसे मिलेंगे, संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान से अच्छा सहयोग रहेगा। आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपको एजुकेशन में लाभ होगा। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये गोचर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो 2 दिन हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। जितने भी आपके धन से जुड़े हुए कार्य हैं उनको आप निपटा लें इस दौरान।
इसके अलावा जो लोग जुआ, सट्टा, लॉटरी या शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनको विशेष लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आपके लिए ये समय प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपके इमोशंस हालांकि बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, तो आपको अपने मन पर कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इस दौरान अगर आप एक मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं या कोई ऐसी और कला आप में है, तो आपको इस गोचर का काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है। चंद्रमा का ये जो गोचर है, ये आप में मनोरंजन की एक्टिविटीज का जो हमें कई बार मन में एक्साइटमेंट रहता है वो बढ़ाएगा, तो आप काफ़ी अच्छा मनोरंजन करेंगे, काफ़ी अच्छे से इंजॉय करेंगे अपने इस समय को। इस दौरान आप अपने किसी दोस्त से धन प्राप्त कर सकते हैं, बड़े भाई के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और सरकारी विभागों में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत उच्च पदों पर हैं, उनसे आपको सहयोग मिल सकता है। इसके अलावा आप अगर मार्केटिंग से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे आप अपने आप से, खुद से जुड़े हुए लोगों से ज़्यादा सहयोग ले सकें या उनसे लाभ ले सकें, तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा ये समय। इस दौरान आप किसी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, किसी पॉलिटिकल ग्रुप में या कोई अन्य ऐसे ग्रुप में जो सोशल सर्विस से जुड़ा हुआ हो। इसके बाद जो अंतिम दिन इस मंथ में रहेगा, अंतिम दिन यानी 28 फरवरी को, तो चंद्रमा कन्या राशि में चले जाएंगे जो आपके 12वें स्थान में स्थित रहेंगे। 12वें स्थान में चंद्रमा का ये गोचर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं रह सकती हैं। इसके अलावा हालांकि विदेश से जुड़े हैं तो आपको काफ़ी लाभ होगा। विदेश से जुड़ा हुआ कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है तो बहुत अच्छा इस समय में फ़ायदा मिलने वाला है, लेकिन आपका रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा। कार्यस्थल की जो परिस्थितियाँ हैं आपके पक्ष में नहीं होंगी। हो सकता है कि आपके शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करें, कार्यस्थल पर भी आपके शत्रु हो सकते हैं, तो अपने कार्यस्थल के जो लोग हैं, जो आपके सहकर्मी हैं, उनके साथ काम करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये जो गोचर है अंतिम दिन का, ये परेशानी जरूर देगा। स्वास्थ्य को लेकर तो अलर्ट रहना ही है, धन के खर्चे बढ़ सकते हैं, आप कहीं पार्टी करने में या किसी अन्य किसी विवाद में, प्रॉपर्टी संबंधी कार्य में अपना धन व्यर्थ में खर्च कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार का समय रहेगा। इस दौरान अगर आप कोई उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उससे आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, मन आपका अशांत रहेगा और किसी भी कार्य को आप समय पर पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इस दौरान अगर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं अपने जीवन से संबंधित, तो वो आपका जो डिसीजन है वो भी सही साबित नहीं होगा आने वाले समय में। तो ये जो आपके लिए समय है अच्छा नहीं है। अंतिम दिन का समय परेशानी भरा जरूर है, लेकिन फिर भी अगर आप संयमित रूप से आगे बढ़ते हैं और अपने काम करते हुए चले जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको बुरे सपने आना या रात्रि को नींद नहीं आना, ऐसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसके अलावा आपको कोई पुराना रोग है वो फिर से उभर सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें और अपने खान पान में कोई बदलाव कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप अपना खान पान बदलना चाहते हो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस वीक में आपके लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 2 और आपके लिए शुभ रंग रहेगा नीला। फिलहाल बस इतना ही।